फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, असी पिछली वीडियो विच 2016 का S.st का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया सी, अते आज आप इस वीडियो विच 2015 का S.st का पेपर सॉल्व करने वाले हाँ। तो चलो फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है जी, वह है 91 हेठ लिखा विचों किहड़े गलत जोड़े हैं। पहला है जी, सब तो ज़्यादा चमकदार ग्रह बुध है। दूजा है, सब तो ज़्यादा दूरी वाला ग्रह प्लूटो है। तीजा है, लाल ग्रह मंगल है। चौथा है, सब तो बड़ा ग्रह शुक्र है। तो इस किहड़े गलत जोड़े हैं जी? पहला ऑप्शन है दूजा ते तीजा, बी ऑप्शन है तीजा ते चौथा, सी ऑप्शन है पहला ते चौथा, डी ऑप्शन है पहला ते तीजा। इसका जो राइट आंसर है जी, वह है सी ऑप्शन, पहला ते चौथा, यह गलत ऑप्शन हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 49वीं समानांतर सीमा रेखा डैश विचकार है। तो पहला ऑप्शन है जी भारत ते भूटान, दूजा है पाकिस्तान ते चीन, तीजा है अफ्रीका ते भारत, चौथा है यूएसए ते कैनेडा। तो इसका जो राइट आंसर है जी, वह है चौथा ऑप्शन, यूएसए ते कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेठ लिखा नूं मिलाओ। तो पहला है जी फैथोमीटर, तो पहला ऑप्शन है हवा की रफ्तार नूं मापन वाला यंत्र, दूजा है क्रोनोमीटर महासागर की डूंघाई नूं मापन वाला यंत्र, तीजा है एनीमोमीटर, यह है जी वायुमंडल में नमी नूं मापन वाला यंत्र, चौथा है हाइड्रोमीटर सही समा दसन वाला यंत्र। इन्हां नूं असीं मिलान करना है जी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है जी, वह बनता है बी ऑप्शन जी, यानी कि ए दा होवेगा जी दूजा, बी दा होवेगा चौथा, अते सी दा होवेगा जी पहला, डी दा होवेगा तीजा। तो ये राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली रेल मुंबई तो थाने तक डैश ईस्वी में चली। तो पहला ऑप्शन है जी 1867, दूजा है 1845, तीजा है 1835, चौथा है 1840। इसका जो राइट आंसर है जी, वह है सी ऑप्शन, 1835। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन मैनु गलत लग रहा है, क्योंकि 1835 नहीं, इतने 1853 होना चाहिए सी। इसका जो राइट आंसर है जी, वह है 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वायुमंडल की कौन सी परत सब तो ज़्यादा ठंडी है। पहला ऑप्शन है अशांत मंडल, दूजा है समताप मंडल, तीजा है तापमंडल, चौथा है मध्य मंडल। इसका जो राइट आंसर है जी, वह है डी ऑप्शन, मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पहला नेशनल वाइल्डलाइफ राष्ट्रीय जंगली एक्शन प्लान डैश इस विच बनया। तो पहला ऑप्शन है 1984, दूजा है 1987, तीजा है 1983, चौथा है 1982। इसका जो राइट आंसर है जी, वह है सी ऑप्शन, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, धरती अपने धूरे दुआले घूमती है। तो पहला ऑप्शन है जी पछम तो पूर्व, दूजा है पूर्व तो पछम, तीजा है उत्तर तो दक्षण, चौथा है दक्षण तो उत्तर। इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा पहला ऑप्शन, धरती जो है वो पछम तो पूर्व वाल घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मानसून का विकसित चक्कर कितने है। तो कितने है जी, पहला ऑप्शन है उत्तरी अफ्रीका, दूजा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तीजा है दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी एशिया, चौथा है पूर्वी यूरोप। इसका जो राइट आंसर होगा जी, होगा तीजा ऑप्शन, दक्षिणी ते दक्षिणी पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, धरती दे दो हिस्सों नूं आपसी मिलाने वाले तंग जमीनी पट्टी नूं की कहा जाता है। पहला ऑप्शन है टालू, दूजा है जलमार्ग, तीजा है थलजोड़, चौथा है खाड़ी। इसका जो राइट आंसर है जी, वह है तीजा ऑप्शन, थलजोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तप्तखंडी वर्खा जंगल भारत में कितने पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है जी मध्य प्रदेश, दूजा है हिमाचल प्रदेश, तीजा है अंडेमान निकोबार द्वीप समूह, चौथा है राजस्थान। इसका जो राइट आंसर होगा जी, होगा तीजा ऑप्शन,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चीनी बोधि यात्री ह्यूनसांग डैश के शासन काल के विच भारत आया। पहला ऑप्शन है जी अशोक, दूजा है अकबर, तीजा है राजेंद्र पहला, चौथा है हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा चौथा ऑप्शन हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कदों की? तो पहला ऑप्शन है जी 1897, दूजा है 1896, तीजा है 1876, चौथा है 1887। इसका जो राइट आंसर है जी वह है ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का डैश सी तो कौन सी जी? वो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूजा है वित्त मंत्री, तीजा है सलाहकार, चौथा है मुख्यमंत्री। इसका जो राइट आंसर है जी वह है सी ऑप्शन, वो सलाहकार सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेठ लिखा मिलाओ तो इन्हों का मिलान करना है जी। आप सीधा ऑप्शन देखते हैं कि राइट आंसर होगा, यदा होगा सी ऑप्शन, शेख अबुल फजल का। अगर देखा जाए तो इसका जो होएगा तीजा ऑप्शन अकबरनामा इसने लिखा सी, दूजा है जी चौथा ऑप्शन बाबा ने तुजके अबाबरी लिखी सी, तीजा है जी पहला ऑप्शन कवंद अमीर हुमायूं नामा, चौथा ऑप्शन है जी दूजा ऑप्शन मिर्जा मोहम्मद हैदर तारीके राशिदी। तो ये राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठ लिखे विचों केड़ा एकता नूं सही परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है तनखाह की थान ते किसी खेतर की कर दी ग्रांट, दूजा है जमीन का हिस्सा, तीजा है किसानों तो ले गए कर दी ग्रांट, चौथा है वित्त मंत्री नूं दिता जाने वाला अहुदा। इसका जो राइट आंसर है जी वह है पहला ही ऑप्शन, तनखाह की थान ते किसी खेतर की कर दी ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 106 नंबर, वास्को डी गामा डैश विच कालीकट विखे पहुंचा तो कदों पहुंचा जी? पहला ऑप्शन है 1490, दूजा है 1496, तीजा है 1498, चौथा है 1497। इसका जो राइट आंसर होगा जी होगा तीजा ऑप्शन 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, असी पसंद करिए या ना हूँ असी संयुक्त भारतीय राष्ट्र से अणवंडे हाँ, ये शब्द किसने कहे? पहला ऑप्शन है जी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, दूजा है लाला लाजपत राय, तीजा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। इसका जो राइट आंसर है जी वह है पहला ऑप्शन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वैदिक काल में कौन से तीन देवते महत्वपूर्ण सन? तो पहला ऑप्शन है जी रुद्र विष्णु इंद्र, दूजा है अग्नि इंद्र सोम, तीजा है इंद्र वरुण रुद्र, चौथा है अग्नि इंद्र विष्णु। इसका जो राइट आंसर है जी वह है दूजा ऑप्शन अग्नि इंद्र अते सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हड़प्पा सभ्यता हेठ लिखे विचों किस काल नाल संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है जी कांसी काल, दूजा है नव पत्थर युग, तीजा है पत्थर काल, चौथा है लोहा काल। इसका जो राइट आंसर है जी वह है पहला ही ऑप्शन कांसी काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेठ लिखे विचों किस मुगल शासक ने फारसी विच आत्मकथा लिखी सी? तो पहला ऑप्शन है जी बाबर, दूजा है अकबर, तीजा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है जी वह है तीजा ऑप्शन जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत और पाकिस्तान की सीमा किस द्वारा निश्चित की गई? तो पहला ऑप्शन है जी लॉर्ड माउंटबेटन, दूजा है लॉर्ड लॉरेंस, तीजा है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, चौथा है सर सिरिल रेडक्लिफ। इसका जो राइट आंसर है जी वह है चौथा ऑप्शन सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेठ लिखे विचों सब तो पहला किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की? पहला ऑप्शन है जी वेल्सले, दूजा है जॉन एडम्स, तीजा है हेस्टिंग्स, चौथा है लॉर्ड डलहौजी। इसका जो राइट आंसर है जी वह है पहला ही ऑप्शन वेल्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मनुख द्वारा वरती गई पहली धातु केड़ी सी? तो पहला ऑप्शन है जी चांदी, दूजा है तांबा, तीजा है कांसा, चौथा है पित्तल। तो इसका जो राइट आंसर है जी वह है दूजा ऑप्शन तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेठ लिखे विचों केड़ा भारत का पहला शासक मनाया जाता है?
तो पहला ऑप्शन है जी चंद्रगुप्त मौर्य, दूजा है अशोक, तीजा है कनिष्क, चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका जो राइट आंसर है जी वह है पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मैक्सनीज किसका दूत सी, तो पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर, दूजा है यूनानी, तीजा है डेरियस, चौथा है सेलियोक्स। तो इसका जो राइट आंसर है जी वह है डी ऑप्शन सेलियोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी किस मुगल राजे के राज के समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी फैक्ट्री खोली सी, तो पहला ऑप्शन है जी अकबर, दूजा है जहांगीर, तीजा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है जी वह है बी ऑप्शन जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान करो या मरो का मंत्र किसने दिता, तो पहला ऑप्शन है जी महात्मा गांधी, दूजा है सुभाष चंद्र बोस, तीजा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर है जी वह है ए ऑप्शन महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री किताब किसने लिखी हुई है, तो किसने लिखी है जी पहला है शोभा डे, दूसरा ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, तीजा है वैंडी डोनिगर, चौथा है सलमान रशदी। तो इसका जो राइट आंसर है जी वह है सी ऑप्शन वैंडी डोनिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी शिलालेख के अध्ययन की कहते हैं, तो की कहते हैं जी पहला ऑप्शन है एपीग्राफी, दूजा ऑप्शन है न्यूमिसमैटिक्स, तीजा ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, चौथा ऑप्शन है फिलासफी। इसका जो राइट आंसर है जी वह है पहला ही ऑप्शन एपीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मुगल काल दे दो महत्वपूर्ण बंदरगाह महानगरियां के नाम दसो जी, तो पहला ऑप्शन है जी मदुराई ते वाराणसी, दूजा है बंगलौर ते अहमदाबाद, तीजा है अहमदाबाद ते सोनारगांव, चौथा है जी सोनारगांव ते कालीकट। इसका जो राइट आंसर होगा जी होगा चौथा ऑप्शन सोनारगांव ते कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हेठ लिखियां विचों सही की चोण करो, समाजिक विज्ञान विच कालक्रम अते कालक्रम ते मापदंड डैश हन, तो पहला है जी म्याद, दूजा है दूरी, तीजा है स्थिति, चौथा है समय का संबंध। तो इसके ऑप्शन हैं जी पहला है ए ऑप्शन दूजा ते तीजा, बी ऑप्शन पहला ते दूजा, सी ऑप्शन तीजा ते चौथा, डी ऑप्शन उपर दिते सारे। तो इसका जो राइट आंसर है जी वह है डी ऑप्शन, यानी कि सारे ही ऑप्शन जी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पहला ऑप्शन तो टिक लगा लिए जी अपना, डी ऑप्शन सही है जी उपरोक्त दिते सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी समाजिक विज्ञान विच कहानी सुनाउण विधि नूं कुशलतापूर्वक वर्तन पक्षों हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन गलत है, तो गलत दसना है जी अपना पहला ऑप्शन अध्यापक नूं कहानी तरतीबवार तरीके नाल सुनाउणी चाहीदी है, दूजा है अध्यापक नूं आकर्षक शब्द अते मुहावरे वरतने चाहीदे हन, तीजा है अध्यापक नूं अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना चाहिदा है, चौथा है वर्णन स्रोतों के पद्धर का होना चाहिदा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जी होगा बी ऑप्शन अध्यापक नूं आकर्षक शब्द अते मुहावरे वरतने चाहीदे हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी किसी निशाने या धारना संबंधी इंज बयान करना कि सिख्यार्थी के मन उपर मानसिक चित्र उकर गए नूं डैश कहते हैं, तो इसनों की कहते हैं जी पहला है भाषण, दूजा बिरतांत, तीजा व्याख्या, चौथा अख्यान। इसका जो राइट आंसर है जी वह है बी ऑप्शन बिरतांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हेठ लिखियां विचों केड़ी सहायक अध्यापन समग्री वक् वक् शासकों के अधीन होए वक् वक् विकास कार्यों दर्शाने लिए वधेरे प्रभावशाली है, तो पहला ऑप्शन है समा चार्ट, दूजा है समा रेखा, तीजा है बारग्राफ, चौथा है रेखा ग्राफ। इसका जो राइट आंसर है जी वह है ए ऑप्शन समा चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 125 नंबर समाजिक विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों दूजियों तो अलग बनाने डैश कहते हैं, तो की कहते हैं जी पहला ऑप्शन है एक्सलरेशन, दूजा है सैगरीगेशन, तीजा है एनरिचमेंट, चौथा है उपरोक्त विचों कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है जी वह है दूजा ऑप्शन
सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 126 नंबर, संसद के काम विशा बनाने लई सब तो चंगा तरीका है, तो पहला ऑप्शन है जी लैक्चर विधि, दूजा है प्रोजेक्ट विधि, तीजा है वाद विवाद विधि, चौथा है कहानी विधि। इसका जो राइट आंसर होगा जी होगा तीजा ऑप्शन सी ऑप्शन वाद विवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन्हों कि अकादमिक सीखण का सीखण समा का हिस्सा नहीं, पहला ऑप्शन है विशा दोहरा, दूजा सफलता, तीजा व्यस्त अवधि, चौथा उपरोक्त विचों कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा जी होगा चौथा ऑप्शन यानी कि कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हेठ लिखे विचों केड़ी किस्म के प्रश्न विद्यार्थियों विच आलोचनात्मक सोच का विकास नहीं करते, पहला ऑप्शन है निश्चित उत्तर वाले प्रश्न, दूजा ऑप्शन है जी पड़ताल प्रश्न, तीजा है विकेंद्रमुखी प्रश्न, चौथा है जी खुले प्रश्न। इसका जो राइट आंसर है जी वह है पहला ही ऑप्शन निश्चित उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी समाजिक सिक्ख्या के विषय का उद्देश्य की उद्देश्य है जी, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों आले दुआले के संसार दे घटनावां बारे जाणू करवाना, दूजा ऑप्शन है विद्यार्थियों विच समाजिक चौगिरदे की आलोचनात्मक जागरूकता पैदा करना, तीजा है राष्ट्रीय भावना का विकास करना, चौथा विकसित देशों की जानकारी देना। इसका जो राइट आंसर है जी वह है बी ऑप्शन विद्यार्थियों विच समाजिक चौगिरदे की आलोचनात्मक जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्थूल तो सूखम वल जाण दा की अर्थ है, ए ऑप्शन है जी वास्तविकता तो सुधारीकरण वल, दूजा है वास्तविकता तो सिद्धांत वल जाना, तीजा है सच्चाई तो काल्पनिकता वल जाना, चौथा है उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा जी होगा सी ऑप्शन सच्चाई तो काल्पनिकता वल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 131 नंबर, भारत की सब तो वड्डी जवाहर सुरंग कित्थे स्थित है, ए ऑप्शन है जी हिमाचल प्रदेश, दूजा ऑप्शन है राजस्थान, तीजा है पश्चिमी बंगाल, चौथा है जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है जी वह है चौथा ऑप्शन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन्हां विचों केड़ी हाड़ी की फसल नहीं है, तो पहला ऑप्शन है कणक, दूजा है सरों, तीजा है झोना, चौथा ऑप्शन है छोले। इसका जो राइट आंसर है जी वह है तीजा ऑप्शन झोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 133, इन्हों विचों केड़ा कुदरती वातावरण नहीं है, पहला है मैनग्रोव, दूजा है मरुस्थल, तीजा है टेरियम, चौथा है कोरल रीफर्स। तो इसका जो राइट आंसर है जी वह है सी ऑप्शन टेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी भारत का केड़ा समुद्री तट तूफानी तप्तखंडी चक्रवातों तो बहुता प्रभावित होंदा है, पहला ऑप्शन है आंध्रा तट, दूजा है कोंकण, तीजा है मालाबार, चौथा है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है जी वह है पहला ऑप्शन आंध्रा तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जुपिटर ग्रह सूरज द्वारे अपना एक चक्कर पूरा करने लिए किन्ना समा लेंदा है, तो किन्ना समा लेंदा है जी, पहला ऑप्शन है 248 साल, दूजा है 84 साल, तीजा है 11.86 साल, चौथा है 16.5 साल। तो इसका जो राइट आंसर है जी वह है सी ऑप्शन 11.86 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी भारतीय संविधान का निर्माण करने लिए कितनी कमेटियां नियुक्त की गई, तो पहला ऑप्शन है जी 23, दूजा है 22, तीजा है 25, चौथा है 27। इसका जो राइट आंसर है जी वह है 22 कमेटियां नियुक्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हेठ लिखे विचों केड़ी विशेष शक्तियां राज्यसभा कोल है या हन, तो पहला ऑप्शन है जी राष्ट्रपति के खिलाफ महादोष की कार्रवाई संबंधी पहल करना, दूजा ऑप्शन है नवीं राष्ट्रीय सेवाओं की सिफारिश करना, तीजा है उपराष्ट्रपति ने हटाना, चौथा है उपर दित्तियां सारियां शक्तियां। इसका जो राइट आंसर होगा जी होगा चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन उपर दित्तियां सारियां शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी भारतीय संविधान की धारा अनुसार कोई बिल वित्त बिल है कि नहीं, इस ते आखिरी फैसला डैश करता है, तो कौन करता है जी, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूजा है लोकसभा स्पीकर, तीजा है प्रधानमंत्री, चौथा है राज्यसभा। इसका जो राइट आंसर होगा जी होगा बी ऑप्शन कौन फैसला करता है जी, ये करता है जी लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 40ਵੀਂ ਸੋਧ 1952, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 52ਵੀਂ ਸੋਧ 1952, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1952, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 45ਵੀਂ ਸੋਧ 1952। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ, 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1952 ਨੂੰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਦਾ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ ਚੌਥਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ USA ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਨੇਡਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPSC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ UPSC ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ। ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਲ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲ। ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੀਜਾ ਅੰਤਰਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਕੇਰਲ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਅਸਾਮ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1983, ਬੀ ਹੈ 1984, ਤੀਜਾ ਹੈ 1985, ਚੌਥਾ ਹੈ 1987। ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ, 1983 ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰਕ ਐਕਟ ਛੋਟੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 7 ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਐਕਟ 1956, ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ 42ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਕ ਐਕਟ 1976, ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ 24ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਐਕਟ 1971, ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ 44ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਐਕਟ 1978। ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ, 42ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਕ ਐਕਟ 1976 ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ,
ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲੀ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਿੰਧੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ 2015 ਦਾ SST ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।